एनसीईआरटी की किताबों में अब जल्द ही इंडिया शब्द देखने को नहीं मिलेगा। एनसीईआरटी के पैनल ने टेक्स्ट बुक्स में इंडिया की जगह भारत लिखने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है और इस प्रस्ताव को इसके सदस्यों ने स्वीकार कर लिया है। टेक्स्ट बुक्स में इंडिया की जगह भारत किए जाने की सिफारिश तब की गई जब इस पर बहस चल रही है कि क्या देश का नाम बदलकर भारत रखा जाएगा। ये बहस इसी साल तब शुरू हुई थी जब केंद्र ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा आयोजित G20 रात्रि भोज के निमंत्रण को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बजाय भारत के राष्ट्रपति के नाम से भेजा। ये अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नामकरण में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक था। तब ये राजनीतिक विवाद का मुद्दा भी बना था। उसी दौरान एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से ये भी कहा गया था कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को लेकर दी गई जिस परिभाषा में इंडिया दैट इज भारत के जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है उसमें से सरकार इंडिया शब्द को निकालकर सिर्फ भारत शब्द को ही रहने देने पर गंभीरता से विचार कर रही है। वैसे भी मोदी सरकार गुलामी की मानसिकता और गुलामी से जुड़े हर प्रतीक को हटाने के मिशन में जुटी है। वो आज़ादी के पूर्व के समय की निशानियों को मिटाने की बात लगातार करती रही है, लेकिन एनसीईआरटी की बुक्स में इंडिया की जगह भारत शब्द का आना क्या आपको लगता है कि इससे फर्क पड़ेगा? जरूर बताइएगा।